चैलेंज करता हूँ, दिवाली में बड़ा बम फोड़ेगा ये 7 स्टॉक, बच के रहना इन 7 स्टॉक से, सब काम छोड़ो वरना लूट जाओगे। ये जो हमने लिखा है कोई ऐसे नहीं लिखा है, सब काम छोड़ो पहले देख लो, बच के रहना इन 7 स्टॉक से, चैलेंज करता हूँ दिवाली में बड़ा बम फूटेगा, और बम फोड़ेगा ऐसा कि आप धमाके से हिल नहीं जाओगे दोस्तों, माला माल हो जाओगे। चलिए देखते हैं तो आपको कौन सा ये स्टॉक है। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, सभी दोस्तों को, आप सभी को नवरात्रि से पहले, दीपावली से पहले और दिवाली मुहूर्त से पहले सभी दोस्तों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। पहले से मैं आपको, आज हो गया 12 तारीख, और 12 और 18 और 4 22 22 दिन पहले आप सभी को मैं शुभकामनाएं देने का सिलसिला शुरू कर दिया हूं, और इसीलिए इस तरह के वीडियो भी आने शुरू हो गए हैं हमारे सबसे पहले यूट्यूब पर, क्योंकि हम वो हर काम पहले कर लेना चाहते हैं, कल किसने देखा दोस्तों। तो चलिए, कौन सा ये 7 स्टॉक है, इससे बच के रहना है, बच के रहना है कि कुछ नया करना है। चलिए तो आप भी देख लीजिए, हम भी देख लें और आपको भी बता दें। पहला स्टॉक, 7 स्टॉक बच के रहना, कितना भी कोई भ्रमित करे, कितना भी कोई वीडियो डाले, कितनी भी कहीं न्यूज आए, खबर आए, एक भी स्टॉक बेचना नहीं है। 7 के 7 स्टॉक आपको रेनबो है दोस्तों, रेनबो, रेनबो मतलब जानते क्या होता है, इंद्रधनुष, और इंद्रधनुष के 7 स्टॉक 7 रंग हैं ये, और एक से बैनी आ पिनाला। 7 रंगों में अगर जानना है कि कौन कौन सा है रंग, तो आपको एक लाइन में बता देता हूँ, ये टेक्निक है, बैनी आ पी ना ला। अब देखिए ये 7ों रंग इसमें हो गया, बैनी आ पी ना ला। अगर 7 कलर्स जो होता है रेनबो, उसमें होता है ये 7 रंग इंद्रधनुष की तरह, ये सभी स्टॉक भी 7 हैं, एक भी स्टॉक बेचना नहीं। और ये दीपावली के दिन से पहले आपको 20 दिन के अंदर दिखेगा कि MBA BK सिंह ने क्या बोला था, और इसीलिए बोला है कि आपको देखने में नेगेटिव लग रहा होगा, लेकिन ये बातें पॉजिटिव है दोस्तों, क्योंकि इसलिए थंबनेल बनाया जाता है कि लोग इसको देखने की ज़रूर एक बार क्लिक करें, और क्लिक करेंगे तो तब उनको पता चलेगा कि ये तो अभी क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि रेनबो में 7 जो रंग होता है, कैसे आप निकालेंगे, तो लिखिए बैनी आ पिनाला। देखिए, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, 7 रंग हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो बैनी आ पिनाला, ये भी एक टेक्निक है दोस्तों, चलिए आपको मैं बता दिया। तो पहला स्टॉक कौन सा है वो आपको मैं बता दूं कि किसी के झांसे में नहीं आया, 2 गिद्ध बैठे हुए हैं देखने के लिए कि कब आप डर कर बेच कर भागे और वो लपक लें। कौन सा स्टॉक है जानते हैं? पहला सिटी यूनियन बैंक जी, दूसरा अडानी पावर, और तीसरा टाटा मोटर, और चौथा BCG, पांचवा बकरंगी, और छठा पंजाब नेशनल बैंक, और 7वां रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये 7 स्टॉक कभी भी आपको बेचना नहीं है। अब आइए दोस्तों, जो आपको इसमें आपको लिख रहा है, चैलेंज करता हूँ दिवाली में बड़ा बम फूटेगा, ये कौन सा स्टॉक है ये आप जान लीजिए, तो कल से ख़रीदना शुरू कीजिए,
और ख़रीदते रहिए दोस्तों, आपकी मर्ज़ी जब तक खरीदे रहिए, लेकिन कम से कम 3 महीना ज़रूर रख लीजिए इस स्टॉक को। बहुत सस्ता स्टॉक है, बहुत ही सस्ता स्टॉक है, और इस स्टॉक को इतना सस्ता है कि हम क्या बताएं दोस्तों। जेपी पावर, दूसरा आर पावर और तीसरा रतन इंडिया पावर, और चौथा है आपको सुजलन एनर्जी, और पांचवा टेली कम्युनिकेशन का बेताज बादशाह आइडिया वोडाफोन, 12.50 रुपये से ऊपर जाता था ज़रूर खरीदिए, और एक बार 12.50 रुपये में बेच देंगे तो उसके बाद इंतज़ार कीजिए। और चलिए जीबीके पावर और जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर, रवि कुमार डिस्टिलरी और नेक्स्ट मैं आपको बता दूं। अब दोस्तों देखिए क्यों हमने बोला इन सभी स्टॉक्स को, आप जो पैनी स्टॉक रखे हुए हैं, मैं गला फाड़ के चिल्ला कर मैं बोलता हूं कि एक भी स्टॉक बेचना नहीं, क्योंकि अब जो आप बेचेंगे अगर इन सबको, जिन्होंने रखा है काफ़ी दिनों से, उनको मैं बता दूं इन सब स्टॉक के बारे में जो आप लोग रखे हैं बहुत काफ़ी दिनों से, अब उसका समय आ गया दोस्तों, उसका समय आ गया है। और जो लोग रखे हैं इन सब स्टॉक्स को, उसकी चर्चा मैं बता दूं कि क्या इस स्टॉक में होने वाला है। तो जीएमडीसी एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, पिछला वीडियो हमारा कल का ज़रूर देख ले, जीएमडीसी कितना में ख़रीदना है कितना में बेचना वो जरूर। जीएमडीसी मतलब गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और एनएमडीसी और डी मर्जर अभी हाल ही में हुई है एनएमडीसी स्टील, ठीक है। और इसके साथ आपको नाम सुने होंगे, बहुत पुराना नाम है ये, वेदांता इंडस्ट्रीज, वेदांता इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अब मैं आप बता दूं ये इजराइल की कुछ समस्याएं आ रही है दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध में 10+ लगभग 12+ कंट्री इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं ताकि पूरे आतंकवाद को मिटाया जाए। जो पैसा वर्ल्ड बैंक और वेलफेयर के नाम पे पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे मंगाया जाता है एनजीओ के नाम पे, लोगों को मानव कल्याण के नाम पे, वेलफेयर के नाम पे, सोशल वेलफेयर के नाम पे, वो उसका पैसा ये नजायज़ मांस मदिरा और लूटपाट करने और हत्याएं बलात्कार जैसे कुकर्मी करने के लिए, तो ऐसे पूरी दुनिया में चिन्हित हो गए हैं। जो भी देश में आसपास हैं उनको नाश्ते नाबूद करने के लिए पूरी दुनिया ने कमर कस ली है, और अमेरिका भी साथ में, और ये अच्छी बात है। तो इस ये इजराइल और फिलिस्तीनी की जो समस्याएं हो रही है, स्टॉक मार्केट में भी इसका मतलब कुछ ना कुछ तो असर पड़ ही रहा है, वरना स्टॉक मार्केट अभी तक 20,000 के पार करके प्लस में रहता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, उसका असर नहीं होगा, इसलिए कि ईश्वर न करे कि COVID-19 की जैसे महामारी आ जाए, इससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता है। ये 100 साल 110 साल के बाद एक कैसी महामारी आई थी, तो वैसा नहीं हुआ तो कुछ नहीं। स्टॉक मार्केट कभी भी एक बार जानिए नीचे आता है अगर,
तो वो एक बार ऊपर जाने की बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी रहता है। और ऐसे स्टॉक को आप हर गिरावट में, मैं आपको बता दूं, हर गिरावट में खरीदिए और ख़रीदते रहिए। अगर आपके पास ये सब स्टॉक है तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार फिर बता दूं आपको, और शायद ये आपके पास ये स्टॉक ज़रूर होगा। पैनी स्टॉक्स हैं, MPS इन्फोटेक्निक। ये पैनी स्टॉक में क्या होता है दोस्तों, रिक्स तो होता है, रिक्स विदाउट रिस्क नो प्रॉफिट एनी बिजनेस एनी अरेज। तो ये सब स्टॉक को इसके बारे में ज़्यादा प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकर छोड़ देना चाहिए, इसलिए कि इसका फ्यूचर है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे स्टॉक हैं, जैसे कि एक स्टॉक और का नाम लो, मोरे पेन लेबोरेटरी। दूसरा स्टॉक एक और है जो आपको मैं बता दूँ, ये सिटी नेटवर्क। और हाल ही में आपको मैं बताने वाला था वो हाथवे केबल, जिसकी चर्चा बहुत तेज होती है। ITI देखिए भाग गया, इतना कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ITI लिमिटेड, ये PSU वे स्टॉक्स हैं और उसी तरह ये कारामात करने वाले हैं। आपको जानते हैं कौन सा स्टॉक, ये सभी स्टॉक जो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शंस कंपनी लिमिटेड SCC जो बोलते हैं, रखे रहिए और रोज़ खरीदते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लाइक कर दीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। तो चलिए देखते हैं मेरा चैलेंज आप कैसे एक्सेप्ट करते हैं। आप नहीं दोस्तों, ये उनके लिए है जो तैयार हैं आपको ये दबोचने के लिए। और यहाँ पे आप हैं और ये दो गिद्ध यहाँ बैठे हुए देख रहे हैं। एक भी शेयर बेचना नहीं, चाहे कुछ भी न्यूज आ जाए, कुछ भी, कोई भी पोर्टफोलियो बेचना नहीं दोस्तों। बेचना है कब वो भी मैं बता दूं, 19,900 जिस दिन आता है उस दिन अपना पूरा पोर्टफोलियो खाली करके प्रॉफिट बुक कर लेना। ये नहीं देखना प्रॉफिट में होगा तो माइनस में होगा तो नहीं करना, प्रॉफिट में पूरा पोर्टफोलियो है तो बुक कर तुरंत निकल जाना। किसी भी स्टॉक और किसी भी शेयर से प्रेम नहीं करना, इमोशंस नहीं रखना, वरना स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना बहुत मुश्किल बात है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरी स्ट्रेटेजी, मेरा अपना पर्सनल, मेरी राय है, मेरी अपनी सोच है। पैसा आपका है, प्रॉफिट आपका है, लॉस आपका है, ये तो हमारा दिमाग की उपज है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत से वीडियो बनता है दोस्तों।